मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही था और सिपाही रहूंगा, उसको इन्होंने उछाल लिया, प्रेस्टीज का सवाल बना लिया। और वसुंधरा राजे हमारी लीडर है और टेस्टेड लीडर है कि कांग्रेस में बहुत भारी झगड़े हैं, पूरा राजस्थान चाहता है वसुंधरा को, हर आदमी अब मुख्यमंत्री बनना चाहता है। गहलोत साहब जूते घिस घिस करके और बहुत सीनियर लीडर बन गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बातचीत की आज इस श्रृंखला में हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद है, हम उनका भी आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करें राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ वक्त से बड़ी गहमा गहमी का दौर जारी है। पहले कांग्रेस अक्सर चर्चाओं में रहती थी और अभी भी मौजूदा हालात में भी है, लेकिन उसके साथ ही केवल कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी इस बार कई अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। और हाल ही में भाजपा ने एक बड़ा कदम उठाया और वो कदम इस वक्त राजस्थान समेत दिल्ली की सियासत तक में चर्चाओं में है। आज हम जिनसे मुखातिब हो रहे हैं उनका नाम है राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा जी। और रोहतास शर्मा जी का सीधा रुख करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। शर्मा साहब, यहाँ कल भाजपा ने, पार्टी ने जो एक बड़ा कदम जो उठाया कि 6 साल के लिए आप जैसे पुराने एक लीडर को अचानक से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, आखिर क्या वजह मानते हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? इसकी जेल साहब, आजाद साहब जी, इसकी वजह सियासत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही था और सिपाही रहूंगा। इन्होंने मेरे को बेवजह, मैंने मात्र इतना कह दिया कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे 3-3 मंत्री केंद्र में है, वो अलवर नहीं आए, कार्यकर्ताओं का ढाढ़स बंधाने, हिम्मत बंधाने, जिला प्रशासन को निर्देश देने, कोई तो आता। कोरोना जैसी महामारी में कार्यकर्ता दौड़ते रहे, कोई एम्बुलेंस का अभाव, किसी को डॉक्टर नहीं मिला, किसी को दवाइयां नहीं मिली, इस तरह की अफरा तफरी मची रही। तो मैंने कहा किसी न किसी को आना चाहिए था, और स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी भी नहीं आए, इतना कह दिया मैंने, वो भी मैंने वर्चुअल मीटिंग में कहा। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि विद इन पार्टी हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मैंने विद इन पार्टी कहा तो कहा कि आपने पार्टी के खिलाफ जो है बयानबाजी की। मेरा इतना सा वो था, उसको इन्होंने उछाल लिया, प्रेस्टीज का सवाल बना लिया। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण ये कि मैंने एक और सत्य बोला जो बिल्कुल सत्य है जी। वो ये बोला कि भाई लीडर चाहिए राज्यों में, अगर सरकार बनानी है तो बिना लीडर के सरकार नहीं बन सकती, और वसुंधरा राजे हमारी लीडर है और टेस्टेड लीडर है। 2 बार बीजेपी का उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई, इससे पहले कभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं। एक सरकार जो बनी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो हमारी सहायता से, जब हम निर्दलीय जीत के आए तो भैरू सिंह शेखावत साहब के साथ आए, तो वो निर्दलीय सरकार थी, लेकिन वसुंधरा जी ने तो अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और एक बड़ा दंगल खोल दिया, और जिसके कारण कांग्रेस परास्त हो गई, राज बना लिया। अब ऐसे टेस्टेड लीडर को तो छोड़ दो, और ऐसे नए नौसिखिए नेता जो कभी बाई चांस विधानसभा में आ गए, उनकी तो जात बिरादरी का भी वोट बहुत है, उसके बावजूद वो कभी चुनाव नहीं जीते। हम लोग तो उनमें से, जो हमारी जात बिरादरी का वोट है ही नहीं, हम तो कास्टिस्ट लोगों के बीच में से निकल कर आते हैं। तो ये शख्स कभी स्वयं ही नहीं चुनाव जीते, वो उन्होंने बागडोर संभाल ली कि भारतीय जनता पार्टी का राज कायम करेंगे, ये कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। यानी यहाँ पर जी, यहाँ पर जो आपने वसुंधरा जी के पक्ष में या उनके समर्थन में जो आपने बोल बोले, शायद ये उसी की वजह मानते हैं आपकी, आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, क्या होता है कि जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, जो 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 स्ट्रांग आदमी होता है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, उसको किसी से डर नहीं लगता। तो हमारा जो नेतृत्व तो बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, वो परिणाम नहीं दे सकता, तो वो डर गए। अब कहते भी ना, फल वो ही देता है जो ताकतवर हो, जिसमें ताकत होगी वो ही झुकता है,
जिसमें ताकत नहीं हुई होगी वो झुक ही नहीं सकता, वो तो गर्म हो जाता है। तो इसलिए जी जी यहाँ पर एक चीज और सामने आई थी कि आपने एक सियासी रंजिश का भी कोई आरोप लगाया था कि सियासी रंजिश की वजह से भी ऐसा हुआ, तो आखिर कौन है जो मैंने एक बात कह दी, इनका 20 साल पुराना एक इनके जो निष्ठावान कार्यकर्ता कहने वाले अपने आप को, मैंने इनका 20 साल पुराना इतिहास के बारे में जिक्र कर दिया कि 20 साल पहले आपने लिखा, लिखित में दिया कि भैरू सिंह शेखावत ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, गुलाब जी कटारिया ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और चतुर्वेदी जी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और कई नेताओं का नाम लिया कि इन्होंने बाबड़ा जी का नाम लिया, वयोवृद्ध आदमी थे, यह अनुशासन का सिपाही है, मेरी पीठ में उनकी पीठ में छुरा घोंपा। और वो गुलाब जी कटारिया खुद अध्यक्ष थे और आज वही गुलाब जी कटारिया वो आप देखिए कि उनको ऐसा डर लग रहा है कि वो पीठ में छुरा घोंपने के बाद भी अब उनकी तारीफ में लग गए हैं। तो ये सब अपने अपने मतलब के हैं, जब टिकट मिल जाती है तो हम पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, जब टिकट नहीं मिलती है तो इससे बुरी कोई पार्टी नहीं, तो ये उनमें से एक है। ऐसा कैसा रामलाल जो कल मेरे को ज्ञान सिखा रहा था, ये रामलाल खुद एबीपीपी का, इसको टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ गया, तो ये कोई दूध धोए नहीं है। इस पार्टी में नेता अधिकतर मैंने देखा है कि ज्यादातर नेता चापलूसी के हिसाब से बढ़ते हैं, अगर लीडर पब्लिक के ओपिनियन से बढ़े तो वसुंधरा जी है और कोई नहीं है। तो सर और कौन लोग हैं, जैसे आपने रामलाल जी का नाम लिया, रामलाल जी के अलावा कोई और कोई ऐसे लीडर हैं जो बाकी आपकी जो गुलाब जी कटारिया के लिए जब अध्यक्ष थे, गुलाब जी कटारिया वैसे सीनियर है इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ईमानदार भी है, लेकिन वो समय के हिसाब से पलटी खा जाते हैं, किस वक्त कहां किस, यानी आपका कहना यह है कि मौका देखकर इनके लिए कहा जी, इन्होंने गुलाब जी के लिए कहा कि इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, पहले तो आपने अध्यक्ष की पीठ में छुरा घोंपा और आप अध्यक्ष की वकालत कर रहे हो, हमको पार्टी से निकालने के लिए आप बयान दे रहे हो। तो गुलाब जी के खैर को मैं सीनियर में बुरा नहीं मानता, उनकी तो आदत में है, वो बेपेंदी के कभी इधर घुट जाते हैं कभी इधर घुट जाते हैं, मेरा कोई उनसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनका सम्मान जरूर करता हूँ क्योंकि वो ऑनेस्ट है जी जी। तो क्या आपको लगता है कि अब आपकी भारतीय जनता पार्टी में ही गुटबाजी वाली जो चीजें हैं जो अक्सर दूसरी पार्टियों में भी देखने को मिलती थी, यहाँ भी कुछ है ऐसा? सब पार्टियों में सब जगह गुटबाजी है, जो किसी की थोड़ी किसी की ज्यादा, सब में गुटबाजी है। किस्सा कुर्सी का है भाई, किस्सा कुर्सी का हर आदमी के मन में कौन किसका लॉयल है, ये 21वीं शताब्दी में मुझे तो कोई नजर नहीं आया कोई किसी का लॉयल है, जिसके हाथ में कमांड दे वही डिक्टेटर बन जाता है, वही बादशाह बन जाता है, लेकिन नेचुरल लीडर जनता, तो जनता से अगर आपको वोट चाहिए तो उनको नेचुरल लीडर पेश करना पड़ेगा, अगर नेचुरल लीडर को आपने कमान नहीं दी तो होगी, आपने देख लिया ना, अभी आपने देखा होगा पिछले मोदी जी का प्रयोग, आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके गुजरात में बाल बाल बच गए, आपके हरियाणा में क्या हुआ, सब जगह इनका प्रयोग फेल हो गया और कोलिशन गवर्नमेंट बनी, आपसे खूब पूरी ताकत लगा ली हमने, जोर शोर लगा लिया, मोदी जी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर वेस्ट बंगाल में फेल हो गए, उसका कारण है ना लीडर नहीं, लोकल लीडर होना जरूरी है, ठीक है देश के लिए प्रधानमंत्री जी है, लेकिन जनता जानती है कि संघीय ढांचा है, प्रदेश की सरकार अपना फंक्शन करती है, केंद्र की अपना करती है, तो मोदी जी का चेहरा एक लोकसभा के लिए तो ठीक है और राज्यों में भी उनको अच्छा व्यक्ति मानते, लेकिन राज्यों के लिए जो फंक्शनिंग करने वाला जो मुख्य चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो लोगों को भाए, जो लोगों का काम काज करे। शर्मा सर, यहाँ आपने अभी एक बात का जिक्र किया था कि आपने वसुंधरा जी के पक्ष में आप उतरे, आप उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो भी राजस्थान के जो भी बीजेपी के लीडर्स हैं और जो वसुंधरा जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं
पार्टी उनके साथ भेदभाव कर रही है? देखिए, ये पहले ये परंपरा नहीं थी। हम जब बीजेपी में आए थे उस वक्त नेतृत्व भैरव सिंह शेखावत जी के हाथ में था, फिर वसुंधरा, तब हमको नहीं लगा कोई कड़वी बात भी कहता था तो शाम को बुला करके नेता हमारे हमको पुचकार लेते थे, डाडस बंधाते थे, बेटा ऐसा नहीं ऐसा होगा। और अब तो सीधा ऐसे तलवार चला रहे हैं जैसे अंग्रेजों का राज और हम हिंदुस्तानियों सीधा छुरी चलाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पार्टियों में जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी जय बोलने वाला हो। अरे तुम्हारी जय बोलने से काम चलेगा क्या? जय तो सारे राजस्थान की जनता जिस नेता की जय बोलेगी उसके साथ तिल के साथ टुकड़ा रंगा जाता है। अब मोदी जी के साथ ये इतना बड़ा बहुमत आ गया क्योंकि मोदी जी भारत की जनता की आवाज थे, हमारे देश की जनता की आवाज थे। उनको बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नेता नहीं चुना, जनता ने उनको मजबूर किया। हम खुद भी थे, ये लोग जो मुझे निकाल रहे हैं इनका तो भरोसा भी नहीं कि उस वक्त ये थे कि नहीं थे। तो वहां उस तालकटोरा स्टेडियम में हम थे, जब मोदी जी का भाषण हुआ तो हमने खूब तालियां बजाई, जम के तालियां बजाई और नेचुरल तालियां बजी। हमको पता ही नहीं रहा, हमारे हाथ चल पड़े तालियों के लिए। वो नेचुरल लीडर चुने गए तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनके मोहर लगा दी। इस तरह से नेतृत्व का चुनाव हो, जनता की आवाज पर नेतृत्व का चुनाव हो तो सही लीडर बनता है और वो सरकार लंबी चलती है। अगले चुनाव 2023 की जैसे अगर हम बात करें तो सीएम के रूप में जाहिर सी बात है आप वसुंधरा जी का चेहरा देखना चाहेंगे? मेरी बात छोड़ो, पूरा राजस्थान चाहता है वसुंधरा को। राजस्थान की जनता ने पहले भी चाह की और आज आप रायशुमारी ले लो जनता की, 10 आदमियों से बात करो राजस्थान में घुसते किसी ढाणी में, शहर में, कस्बे में, बस स्टैंड पर, कहीं पर भी बात करो 10 तो 9 आदमी कहेंगे भाई हु इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, हु विल बी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, तो कहेंगे वसुंधरा विल बी बेस्ट चीफ मिनिस्टर। आई एम नॉट सेइंग, पब्लिक सेइंग। तो शर्मा साहब अब अगला कदम क्या होगा, चूंकि पार्टी ने तो अपना फैसला सुना दिया और निष्कासन कर दिया, लेकिन फैसला देखो पार्टी पदों से हटा सकती है, रिजाइन करा सकती है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मूसल को मैं के विजय, जिसकी आत्मा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बैठा है उसको पुनिया कौन होता है निकालने वाला। मेरी आत्मा में बीजेपी है, मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा। मेरे को कोई वोट देने से पुनिया रोकेगा क्या? पार्टी से निकालने का मतलब नादरशाही होता है, डिक्टेटरशिप होता है। अभी प्रजातंत्र में डिक्टेटरशिप चलती है क्या? ऐसा कभी हिस्ट्री में देखा है कि लोग नेता लोग जबरदस्ती लोग छोड़ के जाते हैं, लोग छोड़ने के बहाने से भाषण देते हैं, या तो जोड़ते हैं यार इन्होंने तो मेरे को तोड़ने का काम किया, जबरदस्ती भगा रहे। हमने कहा कि भाई बीजेपी में हम आ गए, अब हम कहां जाए बुढ़ापा में, कौन हमारा गर्भवती को स्वीकार करेगा ये बताओ शर्मा साहब। तो इनमें बिल्कुल दया धर्म है ही नहीं, ये तो दया धर्म है ही नहीं। जो हिंदू में दया धर्म होना चाहिए वो इन लोगों में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, एक इनकी आत्मा भरी पड़ी है जी। कोई आत्मा सोचे 30 साल तक जो व्यक्ति इनके साथ रहा हो, और मेरी वजह से इनकी 5 साल सरकार चली, मैंने आदरणीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जब इनमें से कई मंत्री थे, मेरी वजह से लाल बत्ती मिली इनको, कार कोठी बंगला टेलीफोन मिला, इनके मन में तो वो एहसान भी नहीं है, ये इस तरह के लोग हैं। राजेंद्र राठौड़ जी की बात करें तो आपकी अच्छी मित्रता रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायद वो भी कहीं खिलाफत या नाराज है क्या आपसे? देखिए कोई नाराजगी का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजेंद्र जी और हमारी मित्रता ही है, और अभी कई दिन से वो बाहर दौरे पर थे, मैं भी बाहर दौरे पर था, हमारी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन इसके मायने नहीं है क्योंकि हमारे बीच में कोई, हमारी मित्रता में कोई राजनीतिक पुट नहीं है। हमारी मित्रता एक व्यक्तिगत मित्रता है जो बीजेपी में जब से मैं आया 30 वर्ष से है, वो है मित्रता है, लेकिन पॉलिटिकल सोच उनका अपना है, मेरा अपना है। बिल्कुल, उनका सफर चूरू और पूरे राजस्थान का है, मेरा सफर अलवर और बांसुर का है।
लेकिन कर तो आप दोनों ही राजस्थान में ही सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की अगर हम जैसे बात एक बार छोड़ दें और अगर बात कांग्रेस भी की भी करें, तो आपने राजेश पायलट जी के समय भी राजनीति की है और अब उनके बेटे सचिन पायलट जी भी सामने हैं, और सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दो खेमे यहाँ पर जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं कि कांग्रेस में दो खेमे बने हुए हैं, इसे किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? देखिए, आज तो मैं, मेरे को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, मैं इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, तो मैं इन दोनों में से क्या प्रश्न किया आपने, एक बार दोबारा बोलेंगे? मेरा कहना यह है कि इस समय कांग्रेस में भी ये चर्चाएं हैं कि राजेश सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, यानी दोनों के अलग अलग खेमे बने हुए हैं, दोनों में शीत युद्ध चलता है और ये पिछले साल हमने सभी ने पूरे देखा भी है। आजाद साहब, ये परिपाटी इस देश में आ गई, ये त्रुटि घुस गई है डेमोक्रेसी में। हर आदमी अब मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अशोक गहलोत का जो सवाल था, हम कांग्रेस में थे उस वक्त, नहीं कांग्रेस में तो जब मैं नहीं था, पर अशोक गहलोत के साथ हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब गहलोत साहब भी अपनी जगह थे, हम अपनी जगह अलवर में थे, तो मैं एक बात जानता हूँ कि गहलोत साहब तब नए थे, लेकिन अब गहलोत साहब जूते घिस घिस करके और बहुत सीनियर लीडर बन गए। वो अपने आप में परिपक्व नेता है और वो बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं, और आज उनकी लीडर के रूप में उनको प्रदेश की जनता उनको मानती है कि अशोक गहलोत कांग्रेस का नेता है। रहा सवाल सचिन पायलट जी का, सचिन पायलट में भी मैंने इन दिनों देखा, जब इनके झगड़े फिसाद चल रहे थे, उन्होंने भी एक संजीदगी दिखाई नवयुवक होते हुए। गहलोत साहब कुछ गर्म हो गए थे, उसके बावजूद भी एक यंग मैन जो है नरम था, तो मैंने ये देखा कि ये अपने बाप का सही बेटा है। इनके फादर में ये बहुत बड़ा गुण था, राजेश जी पायलट को मैं प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ अपना, मैं इसलिए प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ कि गरीब घर से उठ करके दूध बेचा और पूरे देश की राजनीति में छा गए, और दुश्मनों से भी मुस्कुरा के बात करते थे, मुझे वो रावण कहते थे। मैं कई बार देखता पायलट साहब सामने खड़े, 10-15 मिनट मेरे खराब होंगे, मैं बाएं तरफ दाएं तरफ मुड़ के जाता था, लेकिन उनकी निगाह में आते ही मुझे बुला के माथ भर लेते थे, रावण कहाँ जा रहा है, खाना खिचड़ी खाना खा के जाना पड़ेगा, तू ब्राह्मण है बिना खाए में नहीं जाने दो। वो महान शख्सियत थी, एक अच्छी शख्सियत रही है। और आजकल हम जिनके साथ चुनाव लड़ते हैं वो हमारे बगल से ऐसे जाते हैं जैसे उनके हमारे 302 के मुकदमे, यानी अब वो अंतर में वो कैंडिडेट, वो कंडेचर, वो स्वभाव, वो गुण, वो दूरदर्शिता, वो बड़ापन, वो अब उसकी बहुत भारी कमी आई है। और शायद यही वजह रही है कि आज भी जो सियासी पार्टियों में जो गुटबाजी होती है या एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, तमाम तरह के जो इस तरह के हालात हैं, शायद यही उसकी वजह भी रही है। शर्मा साहब, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है, मैं अभी मेरे मन में बीजेपी बसी हुई है, मैं देखूंगा काम करूंगा, वसुंधरा जी को अपना नेता मानता हूँ। बीजेपी में बहुत सारे हमारे और भी मित्र हैं, जो विधायक हैं, जो एक्स विधायक, एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, वर्तमान एमपी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं उनके साथ हूँ। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मैं अधिकतर अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलता हूँ। जो लीडर अगर मुझे कोई अच्छा मिल जाता है, डेमोक्रेट मिल जाता है, प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, झुकता है, अब कई तो अकड़ जाते हैं कि मैंने कर दिया सो सही, इफ करना बटकर बॉस कैसे सही, तो आजकल ऐसे नेता आ गए जो बॉस बने बैठे। मैं बॉस को लाइक नहीं करता, मैं लीडर को लाइक करता हूँ। कई बार नाराजगी भी होती है तो लीडर घर बुला के पुचकार लेता है, उसको खाना खिलाता है। ये हमने ऐसे नेताओं के साथ काम किया है, अब ये नए नए नेता आ गए, ये सोचे इनकी जी हजूरी करे, वो तो संभव है नहीं भाई, 75 वर्ष जीवन के निकाल दिए। तो लीडर, जो कोई भी लीडर होगा, अगर हमारी पार्टी कोई अच्छा नेता नहीं देगी तो हम विचार करेंगे, देखेंगे। पर मेरी पार्टी में, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मैंने मां कहा है, इनका सम्मान मैं हमेशा करता रहूंगा। मैं कहीं भी, आज मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस में मैं नेहरू परिवार का आज भी सम्मान करता हूँ। मेरे घर पर आज भी इंदिरा जी की, राजीव संजय जी फोटो है। मैं पार्टी जब छोड़ के गया उस वक्त मेरे पर इनका साया जो है उठ चुका था, ये भगवान को प्यारे हो गए थे,
तब मैंने देखा कोई मेरे को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। उस वक्त उसकी अपने दूसरे प्रधानमंत्री बन गए थे, तो राजेश जी पायलट का दबदबा ज्यादा भारी हो गया था। तो शर्मा साहब, अब तो 2023 के इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, और अगर बीजेपी के जो आप बता रहे हैं इलेक्शन, मेरे लिए मैं सारा कंसंट्रेट अपने बानसूर पर करूंगा। बानसूर की धरती ने पहले भी मुझे जिताया और मेरा नाम चमकाया, आज भी मेरे को बानसूर की धरती का लाड और प्यार की जरूरत है। मैं अपने लोगों में जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा, मेरे पास धरती है, मेरे पास ऐसा। अगर बीजेपी का रुख यही रहा तो फिर हमारे पास या तो निर्दलीय रहेगा या फिर कांग्रेस का दामन थामे या कोई दूसरी पार्टी कुछ तैयार करे। देखो, बीजेपी का रूप अगर यही रहा तो बीजेपी राज नहीं आए। अगर एक ही कारण सबसे बड़ा हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत भारी झगड़े हैं, और कांग्रेस में गहलोत साहब को शायद जानकारी होगी, लेकिन गहलोत साहब की मजबूरी बहुत बड़ी है कि 60 के करीब सुपर चीफ मिनिस्टर बन गए और वो 60 चीफ मिनिस्टर खिंचाई कर रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं सब। तो मेरे ख्याल से गहलोत साहब भी मन महसूस करके बैठे होंगे, क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं कि किसी का काम नहीं करने लायक हो तो एमएलए गहलोत साहब के पास जाता है कि ये करो, नहीं तो मैं सचिन जी पायलट साहब ने मुझे आज शाम को बुलाया, ये कहकर डराते हैं। ये हालत है। सर आपका रास्ता क्या होगा? बहुत सीधा सा सवाल कि अगर बीजेपी से, मान लीजिए अगर बीजेपी का रुख यही रहता है तो मैं देखूंगा, पर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं कांग्रेस में भी नहीं जाऊंगा। उसका कारण है कि राजनीति में, मैं आपको सत्य कहता हूँ, मन की बात कहता हूँ, बीच दीवार चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। अगर नेता का प्रोटेक्शन नहीं हो तो फिर पॉलिटिशियन का फ्यूचर चुनाव में नहीं रहता, उसको टिकट नहीं मिलता, उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है। तो मैं तो वहीं जाऊंगा जहां पर मेरे को कोई गार्जियन के रूप में मिले। मैं बीजेपी में भी आया था तो मुझे घनश्याम तिवाड़ी जी और भंवरलाल जी शर्मा लेके आए थे, उन्होंने कहा भाई आपको समर्थन में आपकी शर्त, मैंने कहा मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे सीधा भैरू सिंह जी के पास ले चलो, मेरी कोई वो नहीं है। भैरू सिंह जी ने कहा कि भाई रोहतास, तुम लोगों की वजह से नवल किशोर शर्मा और हरदेव जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसी स्थिति में तुम निर्दलीय हो, तुम्हारा क्या रुख रहेगा। मैंने उनको साफ शब्द में कहा साहब नवल जी मेरे गुरु जी है, और नवल जी को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो मैं आपके पास नहीं रुकूंगा, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। और अगर फिर उन्होंने कहा कि अगर जोशी जी को दिया तो मैं जोशी जी को दिया, वो मेरे बहुत आदरणीय है, वो भी पिता तुल्य, लेकिन उनकी अवस्था नहीं है, उनसे चला नहीं जाए, फिरा नहीं जाए, अब उनकी अवस्था आराम करने की है। इसलिए मैं आप जैसा व्यक्ति जिसने अंत्योदय योजना चलाई और आपने एक बड़ा काम करके दिखाया थोड़े से पीरियड में, हम आपको फिर मौका देंगे कि आप सरकार बनाओ। हमारा हम 4-5 एक ही थे, हमारा 5 आदमियों का एक ग्रुप था, जो हम हरदेव जोशी नवल जी के शिष्य थे पहले। तो इस कारण जो है, हम चाहते तो सरकार नहीं बनती, हम चाहते तो कांग्रेस की भी बन सकती थी सरकार। तो बिल्कुल शर्मा साहब, ये आप ये देखिए कि अगर आपने वसुंधरा जी के पक्ष में बोला, अपनी बात रखी, और आप कहते हैं कि जो नए जो लीडर्स आ गए हैं पार्टी में उनको ये चीजें ठीक नहीं लगी, और हालात ये हो चुके कि आप जैसे सीनियर लीडर को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया, आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी आपके मन में, आपके दिल में बसी हुई है, पुराने सिपाही हैं, आप लगातार बीजेपी की सेवाएं करेंगी, और आप ये भी कह रहे हैं कि सियासत में वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कैसा माहौल होता है, और सबसे बड़ी बात कि एक गार्जियन होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, आप ही के शब्दों में। हाँ, मैं ये कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ जो जनहित में कार्य कर सके, जनता को संतुष्ट कर सके, जनता के मन में भाता हो, वो ही तो नेता होगा। फिर हम फालतू इधर उधर के लोगों के साथ क्यों घूमेंगे। सर एक अंतिम सवाल कि आपके जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो निर्वाचन इलाका जो है, वहां पर सतीश पुनिया जी ने भी कोई पिछले दिनों में दौरा किया था, तो उस बीच भी कोई बातचीत हुई थी ऐसी? नहीं, सतीश जी पुनिया वहां आए। सतीश जी पुनिया देखो पूंजीवादी लोगों को महत्व देते हैं, जो जो पैसे वाले लोग हैं उनको गले लगाते हैं,
सतवा में भी था, जसवंत यादव भी थे, बहुत थे जब शुरू शुरू में आए थे, ये जब बड़े थे जब एक प्रोग्राम में जब सब थे, लेकिन उन्होंने महेंद्र यादव को गाड़ी में बैठाया। और हम जो सीनियर लीडर थे, एमएलए रहे हुए, एमएलए भी इनसे तो मैं बहुत सीनियर हूँ, जसवंत यादव भी थे, किसी ने किसी को इसने गाड़ी में बैठा करके और महेंद्र यादव को अपनी कार में बैठाया। मैंने उसी दिन से समझ लिया था कि ये व्यक्ति राजस्थान का नेता नहीं बन सकता, इज और बाय चांस है। तो बिल्कुल ये था इसमें माता है, तो बिल्कुल ये तो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं जी, अब कोई झगड़ा भी नहीं है, पार्टी ने आपको एक अलग अलग थलग भी कर दिया है, जाहिर सी बात है आप भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। मेरे को तो मजा आएगा, मैं राजस्थान के सारे जिलों में घूमूंगा, फ्री हैंड बोलूंगा, बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा, पर एक जनता से निवेदन करूंगा कि अपना नेता ऐसा हो जो बीजेपी से ही हो, जो प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान कर सके, वो चुनना अब आपके हाथ में। खलक आवाज बनेगी तो अलख आवाज बन जाएगी, अलख आवाज बन जाएगी तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगा, ये मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा जी इस समय बिल्कुल खुले में हैं, कहीं कोई पार्टी का दबाव नहीं, कहीं कोई जिम्मेदारी वाली कोई ऐसी चीज नहीं, खुलकर बोल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आखिर सियासत में कौन सा दर्द किस हिस्से से कब उठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिलहाल भाजपा में और कुछ नेताओं में और खास तौर से रोहतास शर्मा जी के साथ भी जो यहां पर हुआ है वाकई वो दर्द उन्हें साल रहा है। शर्मा साहब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज को आप जनता तक पहुंचाएं। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार।